السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي زدني علما محترم حضرات وخواتيم لوك دونكي کے میں مسجد خليل الله آرٹی نگر ऑनलाइन बयानात का सिलसिला जो चल रहा है ताकि इन फुर्सत के अयाम को गनीमत जानते हुए हर मुमकिन तरीक़े से दीन इस्लाम की नश्रशात हो दीनी तालीमात को फैलाया जाए और मुसलमानों में शुऊर को उजागर किया जाए हजरात आज से आपके सामने जो एक नया सिलसिला लेके हाजिर हुआ हूँ, वो है कि ईमान कामिल या मुकम्मल मोमिन कौन नहीं है मतलब यह है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बाज अहदीस में ये फरमाया ला उमिन वाहैदम ला उमिन वाहद या ला उमिन तुम में से कोई आदमी मोमिन कामिल नहीं है मोमिन कामिल नहीं है या तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता है या आदमी मोमिन नहीं हो सकता तो इस तरह की जो रिवायतें हैं उनमें से बाज़ रिवायतों को अपनी तलाश और तहक़ीक़ के मुताबिक अपनी विसात के मुताबिक जमा करके आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी इन शान इस मौजू को इंतखब करने का मकसद क्या है तो ये बात वासे रहें कि ईमान ये इस्लाम की इम्तियाजी खसूसियत और शान पहचान है ईमान सबसे बड़ी नेकी है ईमान उम्मीद की किरने हैं ईमान यकीन और तवक्कुल का नाम है ईमान, तस्दीक और तोकीद का नाम है ईमान दिल की इतमान और भरोसे का नाम है सुकून कल्ब का नाम है ईमान अकीदा, बिलीफ का नाम है ईमान एक गैरमरी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है ईमान के कुछ अमाल और असरात है, हैं वो नज़र आते हैं और यही ईमान इसी की बुनियाद पर इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है आखिरत में महज कामयाबी के लिए इंसान का ईमान ही सबसे पहले काम आएगा आखिरत की पहली मंजिल क़बर में भी इंसान को काम आएगा तो उसका ईमान व अकीदा। अमाल की बारी बाद में आएगी तो ईमान इसकी हिफाजत हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ईमान लाना ईमान की दौलत से मालामाल होना बहुत बड़ी नमत है बहुत बड़ी दौलत है जिसको अल्लाह ताला ने ईमान से नवाज दिया वो आदमी अल्लाह का चहीता है महबूब बंदा है और ना कितने दुनिया में लोग हैं जो दुनियावी एतबार से बड़े इल्म वाले हैं बड़े महक्क़ हैं मुफक्र हैं दानश्वर हैं अक्ल का क्या कहना है उनके रूज इकबाल का क्या कहना है लेकिन जहां दीन की बात आती है ईमान की बात आती है तो दीन व ईमान के कोरे नज़र आते हैं क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी तोफ़ी है बहुत बड़ी नहमत है अल्लाह जिसको चाहता है इस नहमत से नवाजता है सरफराज फरमाता है ईमान की दौलत हमें मांगना चाहिए और ईमान में ही अमन है ईमान में ही सुकून है चैन है अल्लाह ने ती अनआम में फरमाया ईमानहुम भी

ईमान से ही आदमी के अंदर तकवर परेजगारी आती है ईमान से ही अमन सुकून और चैन मिलता है क्योंकि ईमान के जो अरकान हैं उनमें से एक बात है वल कदरी रही व शर्री अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान तकदीर का जो भी फैसला हो अच्छा हो या बुरा हो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की तरफ से है मोमिन आदमी परेशान नहीं होता है, हैरान नहीं होता है उसको सुकून और इतमान मिलता है ईमान की वजह से ईमान यकीन का नाम है वो मायूस नहीं होता घबराता नहीं है हालात चाहे मुआफिक हो या मुखालिफ हो परेशानी होता है वो सोचता है कि अल्लाह मेरा रब है जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है मैं उस पर ईमान रखा हूं वो मुझे जाय और बर्बाद नहीं करेगा और वो इंसाफ करता है वो जुल्म नहीं करता है परेशानी रहता है इसीलिए मोमिन कभी मायूस नहीं हो सकता है और जो मायूस हो गया वो मोमिने कामिल नहीं होता है जो मायूस हो गया वो मोमिन कामिल नहीं होता है <CEO> ला ये ला ला ताला ने में फरमाया कि मायूस तो काफिर लोग होते हैं मोमिन कभी मायूस नहीं होता है हालात कुछ भी हो जाए मायूस नहीं होता है अल्लाह देखो यूसुफ अल्लाम को भाइयों ने ले जाके डाल दिया कुएं में लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी मायूस नहीं हुई इब्राहिम को औलाद नहीं है लेकिन आखिर वक्त तक मायूसी नहीं है अलैहिस्सलाम का औलाद नहीं है बुढ़ापे में भी मायूसी नहीं है याद रखे मेरे भाइयों, ईमान इसका जायका जिसको लग जाता है इसकी चाशनी जिसको मिल जाती है वो दुनिया से बेगाना हो जाता है उसकी लज्जत में खो जाता है ईमान की चाशनी और हलावत जिसको मिल जाए वो कामयाब हो जाए तो ये ईमान जिसकी बड़ी फजीलत है जिसकी बड़ी अहमियत है जिसके लिए अंबिया सुलह सिद्दीन शहदा साहब इक्राम सलफे सालिन ने बड़ी मेहनती की है कुर्बानियां दी है जिद्दोजहद की है ईमान और ईमान की हिफाजत के लिए और यही सबसे बड़ी नेकी है तो ईमान में कमी ना आए ईमान में इजाफा के बहुत सारे असबाब हैं लेकिन मैं आपके सामने इस सीरीज में ये मालूम कर मालूम कराने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ईमान में कमी आती है ईमान में कमी आती है ला योमिन मोमिन कामिल नहीं है ला युमिना हैदुकुम तुम में से एक आदमी मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि ये काम ना करें तो ईमान मुकम्मल करने के लिए ईमान के नक्स और कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या काम हमें करना चाहिए इस सिलसिले में ये आपके सामने हाजिर हुआ हूं ये सिलसिला चंद दिनों तक जारी रहेगा कि ईमान और ईमान में इजाफे की बाइस और ईमान में कमी जो आती है उसके असबाब क्या क्या हैं ताकि हम ईमान में चाशनी लाएं इजाफा लाएं और ईमान में ज्यादती लाएं और साथ ही साथ इसकी हिफाजत करें ईमान के नक्श को दूर करें सरफ सालीन का यकीदा है कि ईमान बढ़ता है और घटता है बढ़ता और घटता है और उसकी पूरी तारीफ अहले इल्म ने यह लिखी है ईमान यह है सबसे पहले तस्दीक बिल जनान दिल से तस्दीक करना यकीन करना इकरार उम बिल लिसान दूसरी बात है इकरार उम बिल लिसान, जबान से इकरार करना तीसरी बात अमाल बिल अरकान अपने बॉडी पार्ट से अमल करके दिखाना नमाज रोजे हज, जक़ात तिलावत असकार ये जो अमाल हैं करके दिखाना ये ईमान की अलामत है यजीद भी तोमान रहमानीम रहीम, रहीम की इतात से ईमान बढ़ता है ईमान में ज्यादती होती है वन कसुबी शैतान और शैतान की इतात व फरमाबरदारी से शैतान की ताबेदारी से शैतान की बात मानने से शैतान के राहों पर चलने से ईमान घटता है ईमान घटता है ईमान घटता और बढ़ता है इमाम बुखारी ने इस सिलसिले में काफी लंबी चौड़ी बहस की काफी हदीसें लाए और अकीदे की किताब में इसकी बड़ी तफसीत हैं। कुरान में भी अल्लाह ने बारहा कहा ईमाना ज्यादत हम ईमाना उनके ईमान में इजाफा होता है चोर जब चोरी करता नबी नदीस में फरमाया उसका ईमान निकल जाता है जानी जब जिना करता ईमान निकल जाता फिर लौट आता है ईमान में इजाफा होता है ईमान घटता भी है और आदमी इसको महसूस करता है और उसी को बुनियाद बनाकर प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हदीस फरमाई है और वह हदीस आज के लिए बुनियादी हदीस हैं एक आदमी ने प्यारे नबी अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया और यह हदीस मुसद अहमद मुदर के हाकिम और दीगर हदीस की किताबों में सही सनत के साथ मस्कूर हैं रावी हदीस हजरत अबू उमामा फरमाते हैं एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया अल्लाह के रसूल मल गुना क्या है गुना क्या है तो आप जामे और बेहतरीन ताबीर बयान कि गुना क्या है आपने फरमाया और एक दूसरी रिवा वजात है जब किसी काम के करने से पहले तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो खटका पैदा हो कोई काम करने से पहले और ये दिल में ख्याल आए कि अगर अगर मैं ये काम करूं, तो लोग क्या कहेंगे अगर ये काम मैं करूं तो लोग क्या कहेंगे तो जाहिर सी बात है समझ लो कि ये गुनाह का काम है ये गुनाह का काम है कोई भी काम करने से पहले दिल में जब खटका पैदा हो तो समझ लीजिए ये गुना का काम है उसको छोड़ दो फदा गुना की बहुत बेहतरीन जाम तारीफ है ये कोई भी काम करने से पहले चोरी करने से पहले देखता कोई देख लेगा तो क्या होगा समझ लो कि गुना है वो, वो करता लोग को अगर पता चल जाए लोगों को इतला हो जाए तो क्या होगा आपको बुरा लगता है वो कि लोग मालूम ना कर पाए तो समझ लो कि ये गुना का काम है ये गुना का काम है उसके बाद ईमान के ताल्लुक से सवाल हुआ कहा अल्लाह के, के रसूल फरमाए फमल ईमान ईमान क्या है नबी ने बेहतरीन जामे तारीफ करते हुए फरमायादा सात का सै वसरत का हसनतुक, का मोमिन अतुकोमिन सैतु का जब तुम्हारी बुराइयां तुम्हें बुरा लगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हारी निगाह में बुरा लगे हाँ मैंने बुरा किया हाँ मैंने गलत किया हाँ मैंने आज यह काम गुना का काम किया, जब, का का जब तुम्हारा गुना तुम्हें बुरा लगे वो सरत का हसन अतुक और तुम्हारी नेकियां तुम्हें अच्छी लगे फांत मोमिन तो तुम मोमिन हो तो तुम मोमिन हो यानी अच्छा काम करने के बाद दिल में सुकून इतमान होता है यह अच्छा लगने का मतलब है अच्छा लगने का मतलब यह नहीं कि नेकी करने के बाद गुरूर और तकबर में आ जाए और दूसरों को हकीर जाने नहीं बल्कि नेकी करने के बाद दिल में इतमान और सुकून हो तो समझ लीजिए कि ये ईमान की अलामत है इसको और थोड़ी तफसील के साथ हम समझते हैं अगर कोई आदमी गुना का काम कर रहा है आप उसको देखकर अगर आपके दिल में बुरा लगे तो समझ लीजिए कि हाँ आप मोमिन हैं बुराई को देखकर आपके दिल में अगर बुराई ना जागे नफरत ना जागे तो समझ लीजिए कि ईमान नहीं है और नबी ने उसकी मजीद वज़हत से मुस्लिम को रिवायत से फरमाई मर्रमिन को मुनकरन फली कोई आदमी शरीयत के खिलाफ कोई काम हो देख रहा है अपने हाथ से रोके हाथ से नहीं रोक सकते हैं जबान से रोके जबान से नहीं रोक सकते हैं फबी कल भी दिल में बुरा जाने और नबी ने फरमाया ईमान दिल में बुरा जानना ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है सबसे कमजोर हिस्सा है दिल में बुरा जानना और अगर दिल में बुरा भी नहीं जानना बुराई को देखते हुए अगर दिल में बुरा भी तस्वुर नहीं करता है तो समझ लीजिए कि वह आदमी मोमिन कामिल नहीं है मोमिन कामिल नहीं है मोमिन हो होता है जिसके दिल में बुराई को देखकर हरकत आए नबी के बारे में क्या आता है कि नबी के सामने कोई हराम काम करते करता, नबी गुस्से में आ जाते आपका चेहरा ये मुबारक लाल हो जाया करता था कोई नाफरमानी के काम करते आप उनसे बात नहीं करते जब तक कि वो तोबा करके अच्छा ना बन जाए ये ने की अलामत, ये ईमान है आज के हिसाब से अगर मैं आपको समझाना चाहूं कोई बेहया औरत जा रही है बेपर्दा औरत जा रही है देखने में बड़ी खूबसूरत है या मोबाइल टीवी इंटरनेट में देख रहे हैं कोई बेहया औरत है अगर आपके दिल में ये आए कि तुझ पर लानत हो तो बुरी है बुरी मखलूक है और तेरे जरिए से लोगों को नुकसान हो रहा है गुनाह हो रहा है अगर आपके दिल में ये तसवर आए तो आप मोमिन हैं और अगर आप ये सोचें कि नहीं आप भी उसको देखने लग जाएं और आपके दिल में नफरत ना जागे तो समझ लीजिए कि ईमान मुकम्मल नहीं है नबी ने बहुत जामे तारीफ की है हैसन अतुक तुम्हारी, तुम्हारी नेकिया तुम्हें अच्छा लगने लगे तो तुम मोमिन हो नेकिया एक तरफ देखिए गाने और म्यूजिक है एक तरफ कुरान की तिलावत है अगर हमें कुरान की तिलावत अच्छे लगने लगे अगर हमारे इंटरटेनमेंट का जरिया हमारे औकात को गुजारने का जरिया नेकिया हो तो हम मोमिन हैं। और अगर हम ये छोड़ के इस गुना में जाए तो समझ लीजिए कि मोमिन कामिल नहीं है मोमिन कामिल नहीं है तो ईमान की बेहतरीन कसोटी नबी ने बयान फरमाई है बेहतरीन हदीस है कि इदा जब तुम्हारी बुरा तुम्हें बुरा बुरायासवर हो बुरा लगने लगे दिल में एहसास और और फील हो, और तुम्हारी नेकियां तुम्हें अच्छे लगने लगे तो तुम मोमिन हो तो तुम मोमिन हो और अगर ये काम नहीं है तो तुम मोमिन कामिल नहीं हो तो ईमान के लिए बुनियादी तौर पर आज हमने ये मालूम किया खुलासे के तौर पर ईमान की अहमियत क्या है ईमान की तारीफ क्या है ईमान घटता बढ़ता है और ईमान की अलामत इस हदीस में जो बताई गई है कि ईमान वही है बुराई को देखकर बुरा तस्वुर करो नेकियों को देखकर अच्छा लगे नेकी के काम में आगे बढ़ो ताऊन करो बुराइयों के काम में ताऊन ना करो तावन बिर वा तकवा वाला तावन इसम वा उदवान ये ईमान की अलामत है ईमान की अलामत है तो हमें चाहिए कि आज के माहौल में अपने ईमान का जायजा लें क्या बुराइयों को देखकर हमें बुरा तस्वर होता है और यह सिर्फ सबके सामने नहीं बल्कि तन्हाई में इंसान को चाहिए कि तन्हाई में वो देखे कि क्या मेरी नेकियां मुझे अच्छी लग रही है तन्हाई में मैं नेकी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ और तन्हाई में

लेकिन उनकी ये नेकिया सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगे क्यों कहा कि वो तन्हाई में जब जाते हैं तो अल्लाह के हराम करदा चीजों को पमाल करते हैं मुहर्रमात करते काब करते हैं तन्हाइयों के गुनाह से बचो आज देखिए आज हम लोग घरों में बंद है आइसोलेट है लॉकडाउन है घरों में है तन्हा है तन्हाई अब बहुत ज्यादा है तन्हाइयों में आज हमारे पास जो नेट है इंटरनेट है और मोबाइल है इन चीजों के फितने से हमें बचना चाहिए ईमान की हिफाजत के लिए और नबी ने फरमाया कि सुबह में मोमिन रहेगा शाम होते होते रात तक क्या कुछ करते करते जाकर काफिर हो बैठेगा उसको खुद पता नहीं रहेगा क्योंकि आज कितना बड़ा फितना है दोस्तों बुजुर्गो भाइयों माँ और बहनों याद कि आज का ही पैगाम है कि हम अपने ईमान का जायजा लें अपने ईमान का जायजा लें कि तन्हाइयों में हम कैसे रहते हैं और हम जलवत में कैसे रहते हैं में क्या कैसे रहते हैं यही तकवार ईमान की अलामत है इसीलिए कुरान ने ने मजीद में सबसे पहले ये फरमाया बिसमी फ़िलािकल किताबल हम मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है और मुत्तकी का पहला वस्फ ये बयान हुआ अल्लादीना युमिनूना बिल गैब गैब पर ईमान रखते हैं गैब पर ईमान का एक मतलब तो ये भी है अल्लाह को बिंदे के ईमान लाना एक मतलब ये भी है हम जब गैब में हो कोई देखने वाला नहीं है उस वक्त भी अल्लाह का डर हो अल्लाह का खौफ हो अल्लाह का तसव्वुर हो और गुनाहों से नफरत करे नेकियों से मोहब्बत करे तन्हाइयों में यह तकवे की अलामत है यह तकवे की अलामत है और उसकी मिसाल याद रखी यूसुफ सलाम को याद कीजिए कितनी तन्हाइयां थी उतनी तन्हाइयों में भी उन्होंने अगर लोग देख भी लेते दोनों को तो मां बेटे का रिश्ता था कोई शक भी नहीं करता उसके बावजूद यूसुफ अले सलाम ने अल्लाह से डर अल्लाह से डर कर तक और और ईमान का सबूत दिया है याद करो उस खातून को उस बेटी को उमर रज रात में गश्त कर रहे थे एक घर से आवाज आ रही थी माँ बेटी को कह रही थी दूध में पानी मिला दो बेटी ने क्या कहा नहीं अमीर उलमोमिन का हुक्म है माँ ने कहा तुम्हारे अमीर कहाँ से देख रहे हैं वो तो सो रहे होंगे उसके बाद बेटी ने कहा कि अम्मी जान अगर अमीर उलमोमिन नहीं देख रहे हैं अल्लाह तो देख रहा है ना लिहाजा ये गलत काम है अल्लाह से डरो ये तकवा है ये ईमान अलामत है अल्लाह न गायब में रहते हुए भी अल्लाह का डर और खौफ और तकवा ये जो है ना यही सबसे बड़ी नेकी है यही सबसे बड़ी बात है और आज का ही पैगाम है कि हम तन में देखे क्या उस बेटी की तरह हमारे पास ईमान है क्या अलैहिस्सलाम की तरह हमारे पास वो ईमान है बुराइयों से नफरत तन्हाइयों में होती या नहीं होती है तन्हाइयों में हम गुनाह करते हैं तो याद रखें ईमान और नकिया बर्बाद हो सकती हैं अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं तो और आपको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन मुहम्मद